अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو خبردار کرنے والے ہیں اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है वही तो सुनने वाला है जानने वाला है आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबका मालिक बशर्ते कि तुम लोग यकीन करने वाले हो उसके सिवा कोई माबूद नहीं वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है वही तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादों का परवरदिगार है लेकिन ये लोग शक में पड़े खेल रहे हैं तो उस दिन का इंतजार करो कि आसमान से साफ धुआं निकलेगा जो लोगों पर छा जाएगा ये दर्द देने वाला अजाब है उस वक्त वो कहेंगे कि ऐ परवरदिगार हमसे इस अजाब को दूर कर हम ईमान लाते हैं उस वक्त इनको नसीहत कहां मुफीद होगी जबकि इनके पास पैगंबर आ चुके जो हमारे अहकाम खोल कर बयान कर देते थे फिर इन्होंने उनसे मुंह फेर लिया और कहने लगे ये तो सिखाया पढ़ाया हुआ है दीवाना है हम तो थोड़े दिनों अजाब टाल देते हैं मगर तुम फिर कुफ्र करने लगते हो जिस दिन हम बड़ी सख्त गिरफ्त करेंगे तो बेशक इंतकाम लेकर छोड़ेंगे और इनसे पहले हमने कौम फिरौन की आजमाइश की और उनके पास एक आली कदर पैगंबर आए जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह के बंदों यानी बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दो मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं और अल्लाह के सामने सरकशी ना करो मैं तुम्हारे पास खुली दलील लेकर आया हूं और इस बात से कि तुम मुझे संसार करो मैं अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले चुका हूं और अगर मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ तब मूसा ने अपने परवरदिगार से दुआ की कि ये नाफरमान लोग हैं अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा मेरे बंदों को रातों रात लेकर चले जाओ और फिरौनी जरूर तुम्हारा ताकुब करेंगे और समंदर से के ठहरा हुआ होगा पार हो जाना तुम्हारे बाद वो पूरा लश्कर डुबो दिया जाएगा वो लोग बहुत से बाग और चश्मे छोड़ गए और खेतियां और नफीस मकान और आराम की चीजें जिनमें वो ऐश किया करते थे इसी तरह हुआ और हमने दूसरे लोगों को उन चीजों का मालिक बना दिया फिर उन पर न तो आसमान और जमीन को रोना आया और न उनको मोहलत ही दी गई और हमने बनी इसराइल को जिल्लत के अजाब से नजात दी यानी फिरौन से बेशक वो सरकश और हद से निकला हुआ था और हमने बनी इसराइल को अहले आलम में से इल्म की बुनियाद पर चुना था और उनको ऐसी निशानियां दी थीं जिनमें खुली आजमाइश थी ये लोग ये कहते हैं कि हमें सिर्फ पहली दफा यानी एक बार मरना है और फिर उठना नहीं बस अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा कर ला भला ये अच्छे हैं या तुब्बा की कौम और वो लोग जो उनसे पहले हो चुके हैं हमने उन सबको हलाक कर दिया बेशक वो गुनाहगार थे और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनमें है उसको खेल के लिए नहीं बनाया उनको हमने तदबीर से पैदा किया है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते कुछ शक नहीं कि फैसले का दिन इन सब के जी उठने का वक्त है जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम ना आएगा और न उनको मदद मिलेगी मगर जिस पर अल्लाह मेहरबानी करे बेशक वही गालिब है बड़ा मेहरबान है बिला शुबा थूहर का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा जैसे पिघला हुआ तांबा वो थूहर पेटों में इस तरह खोलेगा जिस तरह गर्म पानी खोलता है हुक्म दिया जाएगा कि इसको पकड़ लो और खींचते हुए दोजख के बीचों बीच ले जाओ फिर उसके सर पर खोलता हुआ पानी उंडेल दो कि अजाब पर अजाब हो अब मजा चख तू बड़ी इज्जत वाला और सरदार था यह वही दोजख है जिसमें तुम लोग शक किया करते थे बेशक परहेजगार लोग चैन के मकाम में होंगे यानी बागों और चश्मों में बारीक और दबीज रेशम का लिबास पहनकर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे वहां इस तरह का हाल होगा और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को उनकी बीवियां बना देंगे वहां अमन इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगाएंगे और खाएंगे और पहली दफा के मरने के अलावा मौत का मजा फिर नहीं चखेंगे और अल्लाह उनको दोजख के अजाब से बचा लेगा ये तुम्हारे परवरदिगार का फजल है यही तो बड़ी कामयाबी है
हमने इस कुरान को तुम्हारी जबान में आसान कर दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। बस तुम भी इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं।